और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, गवर्नर से मिलने अजीत पवार पहुंचे हैं, पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे हैं अजीत पवार। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। एनसीपी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और अजीत पवार अकेले नहीं है बल्कि पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे हैं। राजभवन पहले पहुंचने से पहले उन्होंने एक बैठक भी की है, हालांकि ये बैठक किस चीज को लेकर है इस बात की जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गवर्नर से मिलने अजीत पवार पहुंचे हैं ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जबकि अजीत पवार तमाम नेताओं के साथ गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, अजीत पवार अकेले नहीं पहुंचे, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे, सियासी मायने भी निकाले जा रहे। हालांकि बैठक किसको लेकर थी और उसके बाद राज्यपाल से उनका मिलने जाना किस बात की ओर इशारा करते हैं, इंतजार इस बात का करना होगा कि कोई खबर महाराष्ट्र की सियासत से निकलकर सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो ये, गवर्नर से मिलने के लिए अजीत पवार पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे हैं। तो एनसीपी नेताओं के साथ बैठक की है। अब से थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सियासी भूचाल एनसीपी में आया था, शरद पवार इस्तीफा देते हैं और उसके बाद कार्यवाहक प्रेसिडेंट एनसीपी का बनाया जाता है और उसके बाद एनसीपी नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, अजीत पवार तमाम नेताओं के साथ गवर्नर के साथ पहुंचे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारी सहयोगी श्रेया भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। श्रेया, एनसीपी नेता अजीत पवार तमाम नेताओं के साथ गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, किस मकसद से?